वन एंड ऑल टू न्यू सेशन ऑफ अ वंडरफुल जर्निज्म प्राउड टू बी आई जैन पुनः एक बार आपका स्वागत है वंडरफुल जैनिज्म के इस नए सेशन में और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हर बार इस सेशन में आप कुछ नया जानने के लिए यहां आते हैं लेकिन मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं शायद आपके लिए नई हो लेकिन सबसे पुरानी इस जगत की कोई बात है तो वही है टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिन धर्म टुडे वी आर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियलिटी टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रेडिशन वी विल टॉक अबाउट साइंस और जो आज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं आज हम शायद आपको ये लगता है जैन धर्म के ट्रेडिशंस क्यों फॉलो करना है ट्रेडिशंस की बात नहीं करेंगे आज हम आपसे स्वभाव अथवा रियलिटी की बात करेंगे जो सच्चा होता है उसे मानना चाहिए और साइंस इस बात में सबसे आगे ऐसा सबका विचार है कितने लोग ये जानते हैं कि जो साइंस बोल देता है एब्सल्यूटली करेक्ट होता है साइंस जो बताता है वह विज्ञान जो होता है वह सबसे सही चीजों को सामने रखता है इसलिए सभी का विज्ञान पर विश्वास होता है कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि विज्ञान जो बताता है बिल्कुल सही होता है कितने लोग यह विश्वास नहीं करते कि विज्ञान जो बताता है वह सही नहीं होता है बाकी लोग क्या करते हैं मतलब अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने की क्षमता नहीं है वह यह बता रहे हैं कि मैंने अभी तक यह भी विचार नहीं किया मैं तो दूसरों को फॉलो करता हूं जैसे एक भेड़ यदि आगे चलती है और वह यदि गड्ढे में गिरती है तो सारी भेड़ पीछे पीछे चलती है इसलिए मैंने पूछा जब आपसे कि कितने लोग यहां साइंस पर बिलीव करते हैं साइंस की रियलिटी पर बिलीव करते बहुत अच्छी संख्या है कितने लोग उस पर बिलीव नहीं करते अच्छा और कितने लोग धर्म पर विश्वास करते बहुत अच्छी बात है कितने लोग जैन धर्म पर विश्वास करते बहुत बढ़िया कितने लोग जैनी होने पर जैन धर्म को जानते हैं बस आज कुछ ऐसे ही कुछ सीखना है आपने ये बात कही है हो सकता है अभी आप क्योंकि जैन धर्म की सभा में बैठे हैं इसलिए ऐसा कहते हैं लेकिन जब भी ये बच्चे जब युवा कहीं बाहर होते हैं तो इन्हें बड़ा शर्म आता है कि हम जैन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं ये सारे सिद्धांत सही हैं या गलत हैं पता नहीं लेकिन एक रूढ़ी की वश हमें इसको फॉलो करना होता है सही है जैसे बहुत सारे ट्रेडिशंस जो हम जिन दर्शन में फॉलो करते हैं सुबह से उठ के मंदिर जाओ क्यों जाएं? कभी प्रश्न किया आपने कभी प्रश्न किया क्यों जाना है मंदिर बिल्कुल नहीं इस बात को आपने क्या कहा कि क्यों जाना है ये रूढ़ी होती है ऐसा करने से मेरे में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं इसको फॉलो करना कोई अच्छी बात नहीं है फिर दूसरी बात हमने जब भी कहा कि चलो रात्रि भोजन नहीं करना है पानी छीन छान के पीना है तो ये कहा रूढ़ी अब ये तो साइंस के साइंस का जमाना है इसमें जो धर्म की रूढ़ियां हैं उसे फॉलो करना अच्छी बात है क्या क्या धर्म रूढ़ी है कि साइंस रूढ़ी है देखो मैं आज आपसे मुनि बन के बात नहीं कर रहा हूं मैं आज आपसे एक्स बिट्सियन मैं आपसे आज बात कर रहा हूं बिट्स बिल्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो आज के लिए साइंस के लिए अगर सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में से जिनका नाम आता है उसमें से तो मैं आपसे इसलिए जैन मुनि बन के बात नहीं करता हूं क्योंकि आप जैन मुनियों की सुनते नहीं है अगर सुनते होते तो बहुत कुछ बदलाव हो जाता और जिस प्रकार से अभी आपने जो लाइफ स्टाइल चूज कर रखी है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता इसलिए मैंने कहा मैं आपसे जैन मुनियों की तरह बात नहीं कर रहा हूं जिसकी आप मानते हो उसकी बात करते हैं आप मानते हैं साइंस की साइंस की नहीं मानते ना साइंस की मानते हो कि नहीं मानते हो मानते हैं ना जितने बच्चे हैं साइंस से ही तो सब कुछ अपना करियर बनाते हैं साइंस ही तो इनको सब कुछ सही जगह पे पहुंचाता है लेकिन हो सकता है आप साइंस स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा समझदार हों कि वे साइंस स्टूडेंट हैं वे सही बताते हैं और उससे भी ज्यादा जो रिसर्च करते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं कितने लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं उनने हाथ नहीं उठाए ऐसे भी लोग हैं बड़े त्यागी वृती हैं आपने ये देखा कि सारे लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं और मोबाइल का जो प्रयोग चल रहा है उस मोबाइल में जितने भी लोग एंड्रॉयड का प्रयोग कर रहे हैं मैं आपको बता दूं क्योंकि आप लोग मैंने पहले ही बोल दिया है आप हम जैसों की बात सुनते नहीं है और यहां पर जितने लोग नहीं सुन रहे हैं, वे घाटे में जाने वाले हैं ध्यान रखना अभी आप लोग जैन मुनि की बात नहीं सुनते हम जैसों की बात नहीं सुनते आप सुनते हैं यदि किसी से इन बच्चों से कह दिया जाए हर्षित बेटा जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म का जो डेवलपर है वो आपके सामने खड़ा हो तो कैसा कुछ काम करेगा तो जब आप उसकी बात करते हो देखो ताली बज गई और मुनिराज आएंगे तो ताली थोड़ी ना बजेगी इसलिए मैंने कहा आपकी मेंटलिटी क्या है आप जरूर बोल रहे हैं धर्म सभा में आके कि मैं जैन धर्म को फॉलोअर हूं मैं जैन धर्म को मानता हूं लेकिन शायद ही मुझे लगता है कि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं इसलिए तो जैन धर्म की नहीं मानते उसे रूढ़ी कह के ये कह देते थे हैं कि आत्मा आत्मावात्मा तो होती ही नहीं है वैसे भी कितने लोग आत्मा वात्मा भूत प्रेत हाँ आत्मा का जैसा ही नाम लो तो सबसे पहले क्या सामने आता है ध्रुव भूत प्रेत यानी कितने लोग भूत हैं यहां कितने लोग भूत हैं कितने लोग भूत नहीं हैं अभी निर्णय ही नहीं है इसलिए मैं बात कर रहा हूं भूत कितने हैं भूत, है? भूत कितने नहीं है ये बीच वाले बड़े गड़बड़ काम है इनको तो भेड़ चाल चलने से मतलब है कोई आगे होना चाहिए अगर आगे अंधा लोग खड़ा हो और उसका हाथ पकड़ लिया है तो हम तो उसी के पीछे चलते जाएंगे जैसे आज दौड़ लग रही है डॉक्टर अक्षय जितनी दौड़ है यह अंधी दौड़ है किस बात की दौड़ है विवान पढ़ाई क्यों कर रहे हो बेटा खड़े हो जल्दी खड़े हो बताओ पढ़ाई क्यों कर रहे हो नहीं तो अभी पास होना है कि आगे अच्छा बनने के लिए कर रहे हो आगे अच्छा बनने के लिए आगे अच्छा बन के क्या करोगे अच्छा क्या होता है किवन खड़े हो हां बेटा पढ़ाई क्यों कर रहे हो वो पर्सनालिटी क्या होती है बड़ा होने के लिए तो बड़ा होने से पढ़ने से बड़ा होने का संबंध है कि बिना पढ़े लोग तो बड़े ही नहीं होते देखो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल अप्रोच में मैं ये छोटे बच्चों से पूछ रहा हूं मैं आपसे नहीं पूछता हूं डॉक्टर अक्षय से पूछता हूं डॉक्टर अक्षय खड़े हो जाओ ये है ये सबको पढ़ाते हैं ठीक है ये सबको घुमा मतलब पढ़ाते हैं <laughs> डॉक्टर अक्षय पढ़ाई की थी किस लिए उन्हें नहीं पता है पहले ही फेल हो गए ये इंटरव्यू में अगर इतना देर लगाएंगे तो फिर ये सबको क्रॉस कर देते हैं मैंने उनसे पूछा पहला प्रश्न बहुत बढ़िया जानकारी के अभाव को पूरा करना था वो क्यों करना था अच्छा बस इतना ही काम था और कुछ भी था नहीं मैं आपको जितनी एज में आप विवान सामने खड़ा है विवान खड़ा हुआ है उसकी एज में जब आप थे तब आप ये सब सोच रहे थे नहीं था ना मैं उसी समय से बात कर रहा हूं आपसे आपने क्यों दौड़ लगाना चालू की बनना क्या बनना था <laughs> देखो बेटा <laughs> क्या बनना था बन गए <laughs> क्या बनना है ब्लाइंड आप बताओ ये इंटरव्यू लेते हैं और ये पूछते हैं बच्चों से कि आपको पांच साल का गोल बताइए उसके बाद पूछते पंद्रह साल बाद अपने आप को कहाँ देखते मैंने आज इनसे पूछा क्या बनना था पता नहीं क्या बन गए क्या बन गए किस लिए बन गए किस लिए बन गए पता नहीं बहुत बढ़िया बात है अब आप देखिए ऐसा उत्तर में जब सबसे पूछूंगा तो सारे यही उत्तर देने वाले हैं जगदीश जी आपसे हो जाए आज। जगदीश जी मैं आपसे फिर से पूछता हूं जगदीश जी जो प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर लिया वो कब हो जाएगा पूरा दौड़ क्यों लगाई थी कमाने के लिए बहुत सही बात है कमाने के लिए कमाना क्यों था परिवार था ही नहीं तब तो परिवार था नहीं कमाना था परिवार चलाना था ये सब क्यों करना था कभी विचार किया बस उसने दौड़ लगाई वो भी दौड़ रहा है मैं भी दौड़ना चालू करता हूं देखते हैं कहां पहुंचते हैं कहां पहुंचे अभी तो पहुंचे नहीं हो लेकिन जरूर चार महीने होते होते तक हमारी शरण में आ ही जाओगे अब देखिए डॉक्टर अक्षय ये सारी चीज जो मैंने कहा कई लोगों को निर्णय नहीं है मैंने तो सबसे जो बुद्धिजीवी जीव हैं, जो अपने एम को प्राप्त कर चुके हैं कि वन आप जो दौड़ लगा रहे हो हो सकता है डॉक्टर अक्षय जैसे बनने के लिए डॉक्टर ये जगदीश जी जैसे बनने के लिए आप दौड़ लगा रहे हो लेकिन कभी विचार करना बेटा कि दौड़ क्यों लगा रहे हैं एक ने दौड़ना चालू किया हम भी दौड़ते हैं कहाँ जाना है ओ कभी बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ यानी कभी गाय को देखा अरे गाय रोड पे जो चलती है चार पैर वाली दो कान वाली वो देखी ना कितने ने देखी अच्छा आधे लोग अभी भी निर्णय नहीं कि देखी कि नहीं देखी मैं आपको अपना स्तर बता रहा हूं कि आपने लोगों को कैसे फॉलो करना चालू कर दिया आपको पता ही नहीं है कि मैं जीवन में कुछ अपने दिमाग का प्रयोग करता हूं मैं अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता हूं मैं तो बस जैसे लोग चल रहे हैं वैसा चला जाता हूं इसलिए अगर किसी के नाम के आगे साइंटिस्ट लिखा है तो बस मैं तो अंधा हो जाता हूं उसने वैज्ञानिक लिख दिया है वैज्ञानिक लिख दिया उसने जो बोला है वह सही है मुझे पता ही नहीं है हर्षित कि वह सही है कि गलत है गाय देखी अच्छा अब अप तो अपने आप हाथ उठने लगे गाय देखिए ना अब गाय से पूछना अक्षय अच्छा आज जाके बाहर पूछना क्या कर रहे हो क्या बताइए क्यों कर रहे हो क्या उत्तर होगा अगर बोलना जानती हो तो क्या होगा कि बहन उससे पूछना कहां से आ रहे हो नहीं पता नहीं पता कहां जाना है क्यों जाना है कहां से आए हो कब तक ऐसे चढ़ते रहोगे नहीं पता डॉक्टर अक्षय फिर से मैं पूछता हूं डॉक्टर अक्षय कहां से आए हो मां के गर्भ से बहुत बढ़िया वो भी सार से आई थी निकल के और बाहर रोड पे घूम रही थी कहां से आए हो कहा जाना है नहीं पता क्या कर रहे हो क्या करना है अब बताओ जिनको लोग फॉलो करते हैं उनको ही नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनसे मिलने वाला क्या है जीवन ऐसे ही निकल जाता है जीवन ऐसे ही निकल जाता है जब हम किसी बड़े व्यक्ति को अपना आदर्श स्थापित कर लेते हैं और उससे जब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो तो जगदीश जी से बोला क्या कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं पता नहीं जो करना था वो मिल गया हाँ मिल गया बेटा सबका लक्ष्य जैसे तुम दोनों ने बिल्कुल निर्मल हृदय से कहा है सबको कुछ नहीं पता है उनने बताया नहीं है तुम लोग भी तो इसलिए भाग रहे हो कि पैसा कमाएंगे पढ़ाई करेंगे तो पैसा होगा पैसा होगा तो सुख होगा जिन जिन के पास पैसा नहीं है हाथ खड़े करना बहुत सारे लोग हैं ये लोग दौड़ते ही रहेंगे क्या नहीं अच्छा पैसा जिन जिन के पास है उनके हाथ खड़े करना बाकी क्या है मुझे समझ में ही नहीं आता है आज तक मतलब कुछ लोग तो कुछ कर लो महाराज आप कुछ कर लो हम जैसे हैं तो जिनके पास पैसा है जगदीश जी वो काला जी कहां गए नहीं जहां पैसा है पैसा क्यों प्राप्त करना था यहां सब लोग आज बहुत गौर से सुनना पैसा क्यों प्राप्त करना था बेटा किस लिए अच्छी जिंदगी होगी अच्छी जिंदगी का नाम क्या है अच्छा क्या होना होता है अच्छा क्या हुआ करता है सुख से रहना है सारी सुख सुविधाएं हैं अच्छा यहां सबके पास पैसा है सबके पास सुख सुविधाएं सब सुख से है ना बेटा फिर किस लिए दौड़ लगा रहे हो कितने लोग सुख से हैं जिनको मानसिक सुख है मानसिक रूप से भी दुखी नहीं है शारीरिक रूप से भी दुखी नहीं है और जो अपने पैसे आदि से जो समृद्धि से भी दुखी नहीं है कितने लोग ऐसे हैं मानसिक दुख भी नहीं है शारीरिक खांसी सर्दी भी नहीं होती है अरे आप खांसी सर्दी को दुख नहीं मानते ना इसलिए और जो अपने बच्चों से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं उनसे दुख नहीं पाते हैं जो अपने घर में बिल्कुल विसंवाद नहीं होता है वह दुख नहीं पाते हैं ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे बिल्कुल सही बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे लोग हैं जिनको ना तो शारीरिक व्याधि है ना मानसिक व्याधि है ये तो अगर यहीं पे मानसिक अब ये लोग जैसे होता है किसी को पता ही नहीं हो मेरे पास में रोग हो गया है कैंसर का तो वो कैंसर का रोग सुधरवाने कब जाएगा डॉक्टर के पास ऐसे ही कल लोग ये सोचते हैं मेरे पास तो मैं पूर्ण सुखी हूँ कितने लोग पूर्ण सुखी हैं बस अब ये इन लोगों का भी कुछ नहीं हो सकता जितने लोग हैं अब देखना आपने प्रारंभ क्यों किया था आपने प्रारंभ किया था मेरे पास पैसा होगा सब कुछ होगा समृद्धि होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा मेरा घर बस जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा लेकिन कभी सोचा है इसमें सुख है या नहीं है आपके पास में आज यह प्रश्न ये लोग सुखी नहीं होना चाहते इसलिए भागते रहना चाहते हैं इसलिए अभी भागने की तैयारी कर रहे हैं अरे ज्ञानियों जिस जिनाले के दर्शन करने जा रहे हो वो देख तो लो जो भगवान बने है, बना कैसे जाता है भगवान के दर्शन करने से भगवान नहीं बन पाओगे लेकिन भगवान बनने की विद्या क्यों होती है अपने जीवन में सुख क्या होता है यह नहीं जान पाए तो कभी भगवान नहीं बन पाओगे कहा गए मानसरोवर वाले कितने मानसरोवर वाले यानी मानसरोवर वाले अभी बसें जाने लगी क्या कि भूख लगने लगी उनको बोल दो सारी बसों को महाराज जी ने कहा है कि वो कहाँ जाना है क्यों जाना है क्या चक्कर लगाते ही रहेंगे मंदिर के कि अपना भी मंदिर बनेगा कहां गए सब वो अरे आप यहां बैठे हैं सब बाहर जा रहे हैं अरे ज्ञानी चलिए कोई बात नहीं हाँ जाने वाले को वैसे भी कोई नहीं रोक पाया आज तक हाँ जब जाने का समय आएगा नवनीत कोई रोक पाया क्या आज तक इसलिए मैंने कहा जाने वालों को आज तक कोई रोक पाया क्या इसलिए ज्ञानी जाने के पहले निर्धारित कर लो जाना कहाँ है पहुँचना कहाँ है अगर ये निर्धारित करना है तो सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है उसका नाम है सुख को प्राप्त करना जिसके लिए आप अंधी दौड़ करते हो लेकिन मैंने कहा आपने जो निर्धारित किया सुख की दौड़ के लिए कि आप पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे लेकिन जितनों के पास पैसा है जगदीश जी यह सुख नहीं देता है सुखी होना है तो यहाँ दो ही सुखी दिखाई दे रहे हैं उन वो आपको निर्ग्रंथ मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पैसे से सुख होता तो सबसे दुखी अगर कोई होता जगत का तो उनका नाम दिगंबर मुनि होता क्योंकि अगर इस जगत में हर के पास पैसा मिल जाएगा हर व्यक्ति के पास पैसा मिल जाएगा जीवन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है भोजन के लिए पेट भरने के लिए ये सब दुखी लोग हैं जो जॉब करने जाते हैं व्यापार करने जाते हैं आपको पता है आप लोग दुखी हो पता ही नहीं हम दुखी महाराज तभी तो सुबह से मंदिर नहीं आना पड़ता है व्यापार खोलने जाना पड़ता है नहीं करेंगे तो बेचारे भूखे मर जाएंगे अगर सुबह से आठ बजे नहीं पहुंचे नौ बजे पहुंचे मंदिर में आ गए और कहा इनसे कि पूजन पाठ करके चले जाया करो तो बेचारे दुखी हो जाते हैं क्यों महाराज जी शाम को भोजन करने कुछ नहीं मिलेगा ऐसे ही लोगों ना आप लोग ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह से अगर दस बजे के पहले दुकान नहीं खोलें तो शाम को उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं है।, है ऐसा रोजी रोटी का सवाल है हाँ ऐसे लोग हैं क्या फिर किस बात की दौड़ है आपके पास सब होने पर जो सुख चाहिए था उससे आप दूर क्यों हैं क्योंकि आपके जीवन में धर्म का अभाव है इसलिए आप सुख से दूर हैं और जिस दिन तुम्हारे अंदर में धर्म आ जाएगा उस दिन तुम सुखी हो जाओगे यही बात थी मेरे से बहुत बार बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हमेशा ये प्रश्न और महाराज जी तो अब जैसे ही ये प्रश्न आता है महाराज जी बोलते हैं आई गए वही प्रश्न बार बार आपने यह सब छोड़ क्यों दिया मुझे लगा कि भेड़ों से अलग चल के देखना चाहिए ये भेड़ें कहां गिर रही हैं ये भेड़ गिरती रहेंगी अगर भेड़ों के पीछे चलते रहे तो मैं भी जाके एक दिन गड्ढे में गिर जाऊंगा इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि जानना है कि सही मार्ग कौन सा है सत्यता कहां है और सुख कहां है अब बात करते हैं वैज्ञानिकों की जो वैज्ञानिक सत्य है भीड़ जितने लोग हैं ये सब जैन धर्म को अच्छा मानते हैं ना इतने लोग नहीं मानते बहुत बढ़िया देखो परीक्षा हो जाती कितने अच्छे से सुनाई दे रहा है और कितने अच्छे से आप सुन रहे हैं अब मैंने पूछा अगर जिन धर्म के सिद्धांत सही हैं या गलत या भीड़ के सिद्धांत क्योंकि जैन दर्शन में जन्मे लोग तो 0.3 परसेंट अगर भारत की जनसंख्या में भी देखें तो आपका कितना परसेंटेज है भारत की अभी तो विश्व की जनसंख्या ही नहीं देख रहे हैं आप लोग बहुत छोटे से हैं और छोटे लोगों की ज्यादा मानी नहीं जाती कम लोगों की कोई सुनता है क्या लेकिन दुनिया आपकी सुन रही है आपको पता ही नहीं है आपको नहीं पता है इसलिए आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं अच्छा यह बताओ राजा एक होता है कि हजार होते हैं अरे तो राजा की मानना चाहिए कि हजारों की तो संख्या में कम होना इससे कोई फर्क पड़ता है कि राजा होना इससे फर्क पड़ता है तो आप जिन दर्शन में भले ही संख्या में कम है लेकिन हजारों की क्यों मानते हो जिन दर्शन के जिन राजों की मुनि राजों की माना करो तो तुम्हारा काम बन जाएगा भीड़ से हम निर्धारित करते हैं विज्ञान निर्धारित करता है कि भीड़ ही पैमाना है सत्यता का यदि भीड़ कह देगी यहां कितने लोग एक बात को यदि सत्य कह दे तो वह सत्य होगी ना क्यों इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं क्या ये बताओ ये लाल पेन है ना आंखें साफ करो लाल है देखो फिर से देखो अच्छा ये नीला है ना ये स्टील कलर का नहीं है ना अब मैं आपसे बात करता हूं कितने लोग भीड़ को प्रमाणित मानते सब लोग मानते हैं ना मैं जो विज्ञान देखता है विज्ञान करता है वह सही होता है विज्ञान के जो रिजल्ट आते हैं वे कैसे आते हैं आज बहुत सारे साइंटिस्ट मेरे सामने बैठे हुए हैं एक हाथ से मिले आप लोग कितने लोग साइंटिस्ट से मिले किसी साइंटिस्ट से मिले आप लोग नहीं मिले आज तक डॉक्टर अच्छे साइंटिस्ट से मिले आप भी खुद हो हाँ, अपनी फील्ड के जितने डॉक्टरेट किए होते हैं डॉक्टरेट्स में आप क्या करते हैं रिसर्च करते हैं डॉक्टरेट कर ले यदि कोई एक स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो जाए तो उसे उस फील्ड का स्पेशलिस्ट माना जाता है और जो स्पेशलिस्ट होता है वही उस फील्ड का साइंटिस्ट कहा जाता है अब देखते हैं नेताजी आप भी साइंटिस्ट हैं आपको पता है अरे आप जिस फील्ड के नेता हैं उसमें स्पेशलाइजेशन अगर आपने प्राप्त किया है आपको उस चीज का हर चीज अच्छे से पता है तो आप भी वही साइंटिस्ट हैं यहां जितने लोग बैठे हैं साइंटिस्ट से घबराते हैं कि साइंटिस्ट कोई बड़े बाल वाला होता होगा उसके लंबे लंबे बाल होते होंगे आइंस्टीन जैसे बिखरे हुए उसका नाम साइंटिस्ट नहीं होता है यहां जितने बैठे हैं किन आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं और मैं आज बात करता हूं जो साइंटिस्ट खोज करते हैं वह जो सामने होता है उसे खोज करते हैं करेक्ट तभी तो आप लोग विश्वास करते हैं कि जो उन्होंने प्रायोगिक स्तर पर देखा है वह सब सत्य है विज्ञान पर विश्वास नहीं करते क्या विज्ञान ने अगर ये कह दिया है तो हम मानने तैयार हैं कि जीव होता है और विज्ञान कहता है जीव नहीं होता है तो सारे युवा ये मानते हैं कि जीव नहीं होता है हर्षित जीव होता है नहीं होता है। पता नहीं महाराज जी होता है नहीं होता है जो दिखता है वही तो होता है जो नहीं दिखता है वह कहाँ होता है सही है ना जो दिखता है वही होता है ना अच्छा ऐसा नहीं तो जो दिखता है वह तो सही होता है ना मैंने बोला दो चीजें बोली जो दिखता है वही होता है ऐसा कितने लोग मानते हैं जो दिखता है वही होता है ठीक है बहुत अच्छी बात है जो दिखता है वह होता भी है और नहीं भी होता है इनको पता ही नहीं है पूछा क्या है जो दिखता है वह जो दिख नहीं रहा है वह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अच्छा जो दिखता नहीं है उस पर कोई विश्वास करता है क्या कितने लोग जो दिखता नहीं है उस पर विश्वास करते हैं अंधविश्वास अंधविश्वास यही तो है जो आंखों से नहीं दिखता उसका नाम मंदिर आना अंधविश्वास मंदिर के जिन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना रात्रि में भोजन नहीं करना अंधविश्वास रूढ़ी अरे अपन बोलते ही है बच्चे क्यों बोलते हैं ये तो सब अंधविश्वास है रूढ़ी से करना है सत्य ना अरे अभी तक सुना ही नहीं है इसलिए आपको पता ही नहीं है अंधविश्वास नहीं करते क्या आप कितने लोग अंधविश्वासी हैं अंधविश्वास जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है ना अरे दिखता ही नहीं है कैसे माने आप देखते हैं विज्ञान कुछ खोज करता है और आपको बताता है तो आप कहते हैं हाँ 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 यह सही है हम अंधविश्वासी नहीं है क्यों वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है आखिर वैज्ञानिक होता कौन है विशिष्ट ज्ञान जिसके पास होता है उसी का नाम ज्ञान में भी उपसर्ग लगाइए विज्ञान विज्ञान क्या है विशिष्ट ज्ञान का नाम है विज्ञान जिस जिसके पास विशिष्ट ज्ञान होता है किसी भी फील्ड का हो वह विज्ञान कहलाता है अब जब मैंने विज्ञान की बात की ज्ञान की बात की तब क्या निर्णय हुआ ज्ञान जितना उत्कृष्टता को प्राप्त होता जाएगा वह विज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा कितने लोग ये मानते हैं आपने पहली क्लास में साइंस पढ़ी सिक्स क्लास में साइंस पढ़ी साइंस को पढ़ते 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 आप इलेवन ट्वेल्थ में पहुंच गए आप वैज्ञानिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं वैज्ञानिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर कोई भी यहां जितने व्यक्ति हैं सब वैज्ञानिक बन सकते हैं जिस पढ़ाई को आपने किया है उस पढ़ाई में और स्पेशलाइजेशन करते जाइए आपका वह विज्ञान आपके जीवन में वह विज्ञान प्रारंभ हो जाएगा अब चलते हैं जो जो वैज्ञानिक बने कोई और नहीं बनते हैं आपके ही घरों के बच्चे आगे चल के वैज्ञानिक बनेंगे और उन्होंने कभी जो विज्ञान की परि परिभाषाएँ उससे बाहर कभी सोचा ही नहीं है इसलिए वे कभी भी उससे बाहर कभी सोचते नहीं हैं मात्र जो देखा जाना और विज्ञान से सुना उसी के बारे में वे आगे, आगे आपको बताते हैं अब यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अक्षय आपने एक पढ़ाई की एक स्पेशलाइजेशन लिया इलेवेंथ ट्वेल्थ में एक सब्जेक्ट चूज किया उसके पश्चात में फिर से आपने उसमें डिग्री प्राप्त की अब डिग्री में भी वह कोर्सेज थे जैसे इंजीनियर बने आप वैज्ञानिक इंजीनियर बन गया इंजीनियर के बाद उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स भी थी फिजिक्स भी थी हो सकता है डिजिटल हो तो सिविल हो केमिस्ट्री में भी बायो वाला हो बायोटेक वाला हो ऐसे ही उसने इंजीनियरिंग की उसके बाद उसने उसी के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक पीएचडी की जब वह पीएचडी कर ली तो वह वैज्ञानिक कहलाने लगा करेक्ट तो क्या उसे केमिस्ट्री का भी ध्यान है अगर उसने फिजिक्स में अपनी पीएचडी की है जो फिजिक्स के रिपोर्ट्स के द्वारा आपको कोई नई खोज दी है तो कितने लोग ये जानते कि वह केमिस्ट्री का भी ज्ञाता है नहीं हो सकता स्पेशलाइजेशन जिसमें है मात्र उसी का ज्ञाता हो सकता है और जब वह खोज करता है जैसे इस पेन में किसी फिजिस फिजिक्स के साइंटिस्ट ने खोज की तो किसकी बात करेगा वह मात्र फिजिक्स के लॉज की बात करेगा लेकिन इस पर केमिस्ट्री का कोई असर नहीं होता ना इस ऑब्जेक्ट पर केमिस्ट्री का असर होता है कि नहीं बस आप समझते जाइए इसमें मात्र फिजिक्स लगती है कि बायो भी लगती है बायोटेक भी लगता है कि केमिस्ट्री भी लगती है कि फिजिक्स भी लगती है लेकिन डॉक्टर अक्षय ने तो फिजिक्स में ही अपनी पीएचडी की थी मात्र इस पर जो इंफेक्ट केमिस्ट्री का आ रहा था ये कब जान पाएंगे और जो ये जान रहे हैं ये सत्य जानते हैं ना जो ये वैज्ञानिक जानते हैं तो ज्ञानी सबकी अपने अपने क्षय समय विवान आप जो क्लास में पढ़ते हो सब समझ में आता है जो मैडम पढ़ाती है पूरा पूरा कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि कुछ ना समझ में आया हो कभी 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 तो होता है ना कि कुछ नहीं समझ में आया ऐसे ही डॉक्टर अच्छे थे इनको जो जो चीज़ें समझ में नहीं आती थी ये वह सब गायब कर देते थे जो जो समझ में आती थी उस पर ही काम करते थे ठीक है ऐसे ही वैज्ञानिक को सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं क्या नहीं आती तो गड़बड़ कहाँ करता है तुम पकड़ पाते हो क्या जैसे मैथमेटिक्स का एग्जाम किसने दिया है मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम तो सॉल्व किए होंगे अरे आप लोग अनपढ़ लोग हो मतलब हमें तो लगा था कि जैन दर्शन की महिलाएं नब्बे साल की अम्मा भी हमें जिनवाणी पढ़ते मिलती हैं इससे बड़ी शिक्षित और उच्च शिक्षा की समाज कोई नहीं है तो मैंने जब इनसे पूछा कि आप मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं क्या तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया कितने लोग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं गणित गणित हाँ हो सकता है इससे समझ से आ जाए तो गणित पढ़े हुए ना और गणित जब भी पढ़ते थे तो उत्तर पुस्तिका पीछे होती थी पीछे क्या होता था उत्तर पुस्तिका होती थी और उसमें आंसर्स लिखे होते थे और कई बार की वो आंसर लाद आंसर देख लिया जाता था आंसर देख लिया जाता था और बीच में कुछ घपले कर दिए जाते थे लास्ट में और यदि कोई समझदार टीचर है तब तो पकड़ पाता था और अगर गड़बड़ टीचर है उसने देखा हाँ आंसर बेटे ने अच्छा लाया तो पूरे मार्क्स दे देता था ऐसे ही साइंटिस्ट आपके साथ क्या गड़बड़ करते हैं उनसे ऊपर कोई दिखाई नहीं देता मैं बीच में घपले कर देते हैं लाना मुझे ये है दिखाना ये मैं दिखा देता हूँ और लोग फिर दूसरा आपने ऐसे कैसे कह दिया कि साइंटिस्ट गड़बड़ कर देते हैं आपको तर्क करना चाहिए हर्ष कि ऐसे कैसे साइंटिस्ट गड़बड़ कर देते हैं वे तो पूरी चीज एक्सप्लेन करते हैं बेटा तुम उनसे बड़े साइंटिस्ट जिस दिन हो जाओगे उस दिन बताओगे कि इसने क्या गड़बड़ की थी टीचर से बड़े टीचर जब हो जाएगा तब बताएगा कि टीचर भी कहां गलती कर रहा है ऐसे ही साइंटिस्ट जो करते हैं वह मात्र रिसर्च करते हैं इन्वेंशन खोज करते हैं आज तक किसी साइंटिस्ट ने कोई भी नई चीज नहीं बनाई है हर चीज री इन्वेंशन जितना जिसका नॉलेज होता है फिर थ्योरीज चेंज फिर थ्योरीज चेंज जिसे आपने सत्य माना था वही थ्योरी दूसरा बड़ा साइंटिस्ट आता है उसके ऊपर नई थ्योरी लगा देता है इसलिए आप कहते हो कि नहीं नहीं ये बड़ा साइंटिस्ट है तो पहले वाला छोटा था ना और ये वाला बड़ा है ना और इसके ऊपर कोई आ जाएगा उससे बड़ा होगा ना अब बात करते हैं कितने लोग यह मानते हैं कि जो साइंटिस्ट बोलते हैं सब सत्य होता है अभी तक तो यही मान रहे थे ये सारे बच्चे यहां के साइंटिस्ट चलिए आज बात कर लेते हैं आप सब साइंटिस्ट बन सकते हो हाँ किसी चीज में आप अपना एक स्पेशलाइजेशन लेना चालू कर दें उसी के बारे में सोचना प्रारंभ कर दें अब देखिए यहां जितने सारे लोग बैठे हैं सब साइंटिस्ट और एक आज यहां पर रिसर्च होने जा रही है आर यू रेडी कितने साइंटिस्ट हैं रेडी हैं नहीं हो साइंटिस्ट अरे माँ अपने घर में वो आप स्पेशलाइज्ड हैं बाटी बनाने में हाँ जयपुर है <laughs> कभी डॉक्टर अक्षय क्या बनाते हैं कभी वो केले की बाटी तो कभी मसाले की बाटी तो कभी वो बाटी में इनने क्या किया अगर वैसे आटे का लड्डू बनाए तो अलग अंतर आता है देखो सब चीज़ें विज्ञान की दृष्टि से खोज रहा हूँ मैं मैं हर समय खोजता रहता हूँ अक्षय कल चौके में परसों इनने युवाओं ने चौका लगाया था तो हम खोज रहे थे वहां पे कुछ इनने आटे से लड्डू बनाया या बाटी से लड्डू बनाया मां अच्छा दोनों आटे से बने ना बाटी वाला भी आटे से बना और आटे वाला भी आटे से ही बना दोनों का स्वाद एक सा होता है ना अरे आटे से तो बना है देखना इसलिए मां ये मत सोचो कि आप वैज्ञानिक नहीं हो आप भी तो आठ मसालों को इधर उधर घुमाते हो और नई नई डिश फेस कर देते हो कितने मसाले आठ मसाले और आठ मसाले को मिक्स किया किसी ने पहले डाला आटे से बनाना आटे में पहले अगर घी डाल दिया तो बात अलग हो गई पहले सेंक लिया और फिर में घी में डाल दिया तो बात अलग हो गई बटा किससे बना किससे स्वाद किसमें आया दोनों में आया और दोनों में अलग अलग क्यों आया क्योंकि हमने उसमें रिसर्च की उसमें कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि जुगाड़ लगाई और काम बन गया ठीक है ना कितने लोग साइंटिस्ट हैं यहाँ बहुत बढ़िया कुछ लोग बढ़ गए <laughs> कितनी जल्दी साइंटिस्ट बन रहे हैं बिल्कुल डिग्री मिल जाएगी अगर आप इसी को खोज के रख दें और इसकी चीजें थ्योरी के रूप में लिख दें जैसे ये लोग लिखते हैं तो आपकी भी थ्योरीज पास हो जाती हैं यही हो रहा है कर तो हम सदियों से रहे थे वह काम लेकिन एक संस्था बन गई उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कराओ कि हम सांस लेते तो कैसे लेते हैं अरे तुम सांस तो हमेशा ले रहे थे उसको लिखना लग जाओ तुम भी साइंटिस्ट बन गए इसलिए मैंने कहा रियलिटी पे बात करते हैं जब तक तुम रियलिटी से परिचित नहीं होगे रियलिटी की खोज जो जो करता जाएगा रियलिटी को बनाया नहीं जा सकता रियलिटी की खोज की जा सकती है और रियलिटी की खोज करना आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है जितने टेंशन फ्री रहोगे कितने लोग टेंशन फ्री हैं इस जगत में अरे आप लोग टेंशन टेंशन रहते थे कितने लोग टेंशन में नहीं रहते जगत में बिल्कुल सत्य है कि टेंशन में हो नहीं हो बेटा अभी से टेंशन लोगे इन लोगों की मत माना करो जो पापा लोग हैं ना पिताजी और माँ उनकी मत माना करो ये तो टेंशन जान के खरीद के लेके आए हैं अच्छा पूछ लेना पापा से आज जाके कहाँ गए प्रतीक यानी टेंशन लेने ढोल लेके गए थे कि पैदल ही गए थे ऐसे ही घोड़े पे बैठ के गए थे बेटा आप समझ लो ये बोल रहे हैं घोड़े पे लेकर गए थे हम टेंशन लेने कितने लोग टेंशन फ्री हैं यहां यानी नगाड़े नहीं बजे ऐसा हो नहीं सकता कि जो विपिन आ, विपिन बैंड बज गए एक दिन बजे कि रोज बजते हैं तुमने एक दिन बजाए थे इसलिए तुम्हारे रोज बजते हैं और हमने एक दिन नहीं बजवाए इसलिए हमारे यहां रोज बजते हैं बेटा जितने युवा बैठे हैं एक दिन बजवाने चले गए ना तो रोज बजेंगे घर में और एक दिन नहीं बजवाए उसे छोड़ के यहां आ गए तो रोज बजेंगे जहां आहार करने जाओगे वहां से बैंड बाजों में लेके आते हैं हर चीज समझ लेना ध्रुव विचार कर लेना बेटा तो कितने लोग टेंशन में अब जो टेंशन में है वह साइंटिस्ट हो सकता है क्या आशीष टेंशन फ्री हो ना आप बोल मत देना घर जाके ऐसा नहीं बोल गड़बड़ हो जाएगी टेंशन में आ जाओगे अब देखिए जितने लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं वो कितनी अच्छी खोजें कर सकते हैं मां जब आपको मानसिक तनाव होता है तो भोजन बहुत अच्छा बनता है ना कोई काम कितना अच्छा होता है तो जितने लोग साइंटिस्ट हों किसी भी लेवल के किसी भी हैं यदि वे शादीशुदा हैं उनके साथ परिवार है उसके साथ में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है कितनी अच्छी खोज कर पाएंगे समस्याएं हैं घर में झाड़ू वाला नहीं आया घर में आज पानी बंद हो गया है यानी उसे सोचेगा कि जो विज्ञान की सर्च कर रहा है उसे सोचेगा डॉक्टर अक्षय अच्छा बस जीवन में सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना हो तो निष्प्रही होना पड़ता है निष्परिग्रही होना पड़ता है जिसके पास भोजन की भी चिंता ना हो सबसे ज़्यादा यदि पेमेंट किसी का होता है तो साइंटिस्ट का होता है जितने जगत में साइंटिस्ट हैं उनका सबसे ज्यादा पेमेंट क्यों होता है उसको चिंता नहीं होनी चाहिए कि हमारा घर कैसे चलेगा पेमेंट होने के बाद में उसके घर में नौकरों की भी कमी नहीं होती बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल होते अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं क्यों आप अपना दिमाग मात्र खोज में लगाओ और किसी चीज में लगाया तो फिर खोज नहीं हो पाएगी सत्य ना पूरा टाइम इसलिए तो वो पागल जैसा दिखने लगता है होता पागल नहीं है देखो बहुत सारे जितने तुम लोग बैठे हो सब पागलों के पीछे ही बैठे हो आपको पता है सब डिवाइस लिए मोबाइल वो विज्ञान की देन है कि नहीं ऊपर पंखे विज्ञान की देन है कि नहीं घर बनाए तो विज्ञान की देन है कि नहीं तो सब आप भले ही उन्हें पागल कहते हो क्योंकि ज्यादा बुद्धिशालियों के बीच में बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाए ना जैसे आप सब बुद्धिशाली मतलब आप समझ सकते हैं अगर यानी अगर बहुत सारे पागलों के बीच में एक पागल नहीं एक अच्छा व्यक्ति पहुंच जाए तो क्या होता है पागल कौन पागल कौन आप देख लेना ये बहुत सारी भीड़ है उसमें यदि एक समझदार है तो पागल कौन कहलाएगा समझदारी पागल कहलाएगा ना ऐसे ही करते आ रहे हो इसलिए अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हो 800 करोड़ की जो भीड़ है यह सब जैसे पागलों की भीड़ है उसमें यदि तुम्हारे पास में कोई अच्छा बताने मिल जाता है तो कहते हो ये धर्म बता रहा है ये पागल आदमी है अब बताओ समझदार कौन भीड़ में दौड़ने वाला समझदार कि बेटा भीड़ से बाहर आने वाला समझदार तो ये दिख रहे हैं दो समझदार इन्हें आप कहते हो पागल क्यों छोड़ के आ गए सब हर्षित ये लोग यही सोचते हैं आशीष क्यों छोड़ के आ गए सब कुछ तो था तुम्हारे पास में अब बताओ समझदारी में समझदारी है कि आपके जैसे दूसरे को फॉलो करते में समझदारी है चलते हैं पहुंचते हैं जिसके पास में तनाव वह खोज नहीं कर सकता सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को क्यों फीस दी जाती है क्योंकि मानसिक रूप से वह फ्री जब तक नहीं होगा तब तक वह आनंद नहीं ले पाएगा ये युवा तो सोचते हैं धर्म जो वो गेट पे खड़े हुए ना यहाँ पे अगर कोई पार्टी होती क्लब में होता तो मैं सबसे आगे मिलता लेकिन मंदिर की चीज है महाराज जी हैं ये कुछ जानते हैं क्या इसलिए यहाँ क्या आना है जितने युवा है, ये ये हैं यही मेंटेलिटी के और जो ये तो थोड़े से थोड़े समझदार हैं थोड़े युवा दिख रहे हैं लेकिन जो युवतियाँ होती हैं ना वो तो और स्मार्ट हैं वो तो ऐसा समझती हैं ये धर्म भर्म तो मानो जैसे जो अनपढ़ लोग होते हैं ना वो लोग करते हैं सत्य ना अरे पूछ लेना आज घर में जाके क्यों नहीं दिखाई दे रही संख्या बच्चियों की क्यों नहीं दिखाई दे रही बच्चों की संख्या ये यही तो समझ लिए हैं कि धर्म नाम है रूढ़ी का धर्म नाम है जिसमें कुछ नहीं आता उसका नाम धर्म मनाए सुबह से मंदिर कौन जाता है जिसके पास कोई काम ना हो मुनिराजों की सेवा कौन कर रहा है जिसके पास काम न नहीं है इसलिए सुबह से कमंडल उठा रहे हैं सही है ना इसलिए तो आप अपने बच्चों को भेजते नहीं हो इसलिए तो आप बच्चों से कहते हो ये तो बाद में हो जाएगा माँ वो जो कर लिया है दुनिया ने उसके पास में कुछ नहीं है देख लिया अभी मैंने पूछ लिया कितने लोग सुखी हैं लेकिन सुखी होने का उपाय यदि कोई है तो गुरुओं के चरणों में बैठना जिन्हें मंदिर में आना ये जब उसको सुखी मिलती है तो हमारी माँ को अच्छा नहीं लगता बेटा मंदिर मज जा अगर मंदिर जाएगा तो पढ़ाई छूट जाएगी तो दुखी कैसे रहेगा आप लोग सब सुखी हो ना बेटा इसलिए किसका सहारा लेना पड़ता है फिर से चलते वैज्ञानिक को सबसे ज्यादा फीस और पेमेंट क्यों होता है फ्री रहे कुछ भी चिंता होगी तो खोज अच्छी नहीं हो पाएगी अब दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक से मिलते हैं देखो सबसे बड़े वैज्ञानिक से मिलते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक है अगर थोड़ी सी भी चीजें हैं इस पेन पर रिसर्च करना है तो पूरा जीवन निकाल देगा जो चीज दिख रही है उस पर ही रिसर्च करना हो तो पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन जो चीज नहीं दिख रही है, उस पर रिसर्च करने वाला कोई है जो सबको खोज रहा है उसकी खोज करने वाला यदि कोई है उसका नाम बीतराग वैज्ञानिक दिगंबर मुनि हुआ करता है खोज रहे हैं लोग बाहर को लेकिन कौन खोज रहा है इसकी खोज करने के लिए निकलना पड़ता है उसका नाम होता है दिगंबर जैन मुनि आप बताओ तो महाराज जी इनको तो कोई पेमेंट नहीं मिलती गौरव मिलती क्या क्यों अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो मानसिक तनाव हो जाएगा कैसे रहेंगे कैसे घर चलेगा अब देखिए सबसे ज्यादा पेमेंट इन दिगंबर मुनियों को मिलती है यानी जगदीश जी सबसे ज्यादा पेमेंट इन दिगंबर मुनियों को मिलती है आपको तो साइंटिस्ट होंगे तो ये सोचना पड़ेगा कि घर में आटा खत्म हो गया कि नहीं हुआ क्या बचा है क्या नहीं बचा है इतना तो सोचना ही पड़ेगा घर की क्या समस्याएं ये सोचना पड़ेंगे ये दिगंबर मुनि होते हैं इनको तो यह भी सोचने को मना कर दिया कि तुम भोजन कल कहाँ होगा तुम तो सीधे अंजलि लगाना और पहुंच जाना वहां श्रावक पड़गाते मिल जाएगा आहार करके आ जाना और फिर यह भी नहीं सोचना उसको धन्यवाद देना है उसको अभिशाप देना है कि वरदान देना है यह भी मत सोचना तुम तो पुनः आना और पुनः अपनी खोज में सामायिक में लीन हो जाना और खोजने वाले की खोज करने लग जाना सब लोग साइंटिस्ट हैं कितने लोग साइंटिस्ट हैं भूल जाते हैं याद दिलाना पड़ता है अभी जिस तरह के आप साइंटिस्ट हैं उसकी बात मैं आपसे कर लेता हूं युवाओं युवाओं कहां क्रिकेट खेलने जाना है तो साइंटिस्ट बनने जाना है पढ़ाई करने पढ़ाई करने आज तुम्हारी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी यही है अभी बात कर लेते हैं अगर बहुत ज्यादा शंका नहीं हो बहुत ज्यादा शंका नहीं हो दो तरह की शंकाएं होती हैं वो आप समझ सकते हैं अगर वो नहीं हो तो कोई बात नहीं यहां सारे शंकाओं का समाधान आज मिलने वाला है सारे लोग आज क्या हैं साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट जो बताता है सत्य होता है सही है सही है धर्म जो बताता है वह रूढ़ी होता है मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं मैं आपसे जैन मुनि बन के बात नहीं कर रहा हूं मैं तो एक एक्स एम्प्लॉय मल्टीनेशनल कंपनीज का अथवा एक्स इंजीनियर उसके बाद इसलिए मुझे आंसर सही से ही दो विज्ञान जो बताता सही होता है ना मतलब मुझे नाराज कर रहे हैं ये लोग देखिए चलिए सभी लोग साइंटिस्ट हैं बात करते हैं कैसे साइंटिस्ट की खोज होती है आज चलते हैं इस हाथ पे रिसर्च करेंगे सभी सभी लोग किस हाथ पे रिसर्च करेंगे इस पर पीएचडी करना है पीएचडी किस पे करनी है हाथ पे पीएचडी करनी है तैयार थीसिस लिखनी है इतने सारे साइंटिस्ट हैं एक ही हाथ है और सामने है इस पर पीएचडी होगी और इस पर थीसिस लिखी जाएगी यानी कितनी उंगलियां हैं सेज में अंतर आना चालू हो गया कोई चार उंगली कह रहा है कोई पांच उंगली कह रहा है अच्छा बेटा कितनी उंगलियां है? चार हैं, कि पांच हैं? अच्छा ठीक है बेटा कितनी है यानी चार पीछे वाले सबसे पीछे खिड़की के पास कितनी उंगलियां हैं तुक्का नहीं चलेगा दिख रही हैं? चश्मा साफ कर लेना कितनी उंगलियां चार हैं। दिख रही है कि तुक्का मार रहे हो देखो कितनी हैं? अरे नकल नहीं कराना नकल करा के साइंटिस्ट नहीं बनते वो अपनी रिसर्च करने दो उसको वो जब तक नहीं देखेगा माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से तब तक बताएगा क्या तुम्हें सही अच्छा बताओ भैया पीछे वाले भैया नीली शर्ट खड़े हो जाओ चश्मा पहने हो सही नंबर का है ना नहीं तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी बताओ तो चार उंगली की तीन हाथ में कितनी चार ही है चार है और ये हाथ नहीं है क्या कितनी उंगलियां पक्का पता है दिख रही है कि ऐसे ही तुक्का मार रहे हो अच्छा चश्मा उतार के देखो अरे देख लो ना अच्छा कभी साइंटिस्ट चश्मा भूल जाए और थोड़ी बहुत रिसर्च कर दे तो चलेगा ना नहीं चलेगा अच्छा तो चश्मा लगाया और इनने बहुत दिनों से नंबर चेक नहीं कराया था यानी ये तो आपने अंदाज भी लगा लिया कि ये तय होती हैं तो इससे ज़्यादा तो पाँच तो हो नहीं सकती तो चश्मे का नंबर यदि चेंज हो गया हो तो यदि पाँचवीं छठी निकल आई हो यहाँ तो आप बोलोगे क्या छठी थी नहीं बोलोगे ठीक है बहुत बढ़िया एक साइंटिस्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स में अंतर चलिए ये बात तो बहुत अच्छी हुई कि यहाँ पर पी में वेरिएशन हो रहा है सबकी रिपोर्ट्स चार उंगली वाली भी है पाँच भी वाली है अब मैं चलता हूँ थोड़ी और गहराई में क्योंकि वैज्ञानिक इतनी चीज वास्त तो सब जानते हैं अब मैं चलता हूँ बहुत अच्छी बात है डॉक्टर अक्षय हाथ दिखाई दे रहा है कितनी उंगलियाँ हैं पाँच हैं पाँच, है? पाँच ही हैं अब देखना इसने गलती कर दी है मैनुअल मिस्टेक जिसे कहते हैं जिसे साइंस में मैनुअल मिस्टेक कहा जाता है जो जीव पकड़ नहीं पाता और गलती कर बैठता है मैंने अभी जो रिसर्च चालू की थी वो लेफ्ट हैंड पे चालू की थी और ये लेफ्ट हैंड की रिपोर्ट लिखते लिखते जब मैंने पूछा कितनी उंगलियां हैं तो इसने राइट right हैंड की रिपोर्ट में लेफ्ट हैंड की रिपोर्ट मिला दी है ये सारा गड़बड़ साइंटिस्ट करता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये बड़े से बड़ा साइंटिस्ट था और इसने ये गलती कर दी है कि जो काम जिस पे रिपोर्ट चल रही थी उसको दूसरी जगह हो सकता है या? लाइट्स कम हो जाए थोड़ा लाइट अगर बंद हो जाएगी तो पूरी उंगलियां दिखेंगी ना कितने लोगों को पूरी उंगलियां दिखेंगी यानी लाइट नहीं है अंधेरा हो गया है तुक्का नहीं मारना है साइंटिस्ट हो ध्यान रखो कितने लोग साइंटिस्ट हैं मां ऐसा करना लाइट चली जाए और आठ मसालेदानी में से उसी में नमक था उसी में मिर्ची थी और नमक डालना था और जीरे डालने थे उसकी जगह मिर्ची डल जाए और मिर्ची की जगह तो मिर्ची है ही तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनेगा ना ऐसे ही यानी जब मैं कोई भी चीज़ में अपनी लिमिटेशंस को भूल जाता हूँ या साइंटिस्ट उस चीज़ को देख नहीं पाता कि क्या गलती हुई है तो अभी अभी इन इन साइंटिस्ट ने एक काम किया कि लेफ्ट की जगह राइट पर रिसर्च करना चालू कर दिया और उसे पता ही नहीं चला फिर से चलते हैं एक और बार अब और गहरी में चलेंगे यानी विमोन उंगलियां दिख रही हैं हाथ दिख रहा है कितने लोगों का हाथ दिख रहा है सारे साइंटिस्ट ने रिपोर्ट बनाना है हाँ तुक्के वाला नहीं आप सब साइंटिस्ट हो आप पे पूरी दुनिया विश्वास करती है और अगर किसी का नाम चल जाए तो फिर तो आप जो बोलोगे सब हिमांशु जैसे ही बोला किसी विज्ञान में अगर वो आइंस्टीन नाम रख ले अपना कि वन बड़े होके आइंस्टीन नाम रख लेना सारी रिपोर्ट्स पास हो जाएंगी हां आइंस्टीन ने बोला है जैसे ही बोलते हो तो तुम कैसे हो सोचते हो बिल्कुल सही है करेक्ट आप देखते हैं इस हाथ में कितनी रेखाएं बेटा तुक्का नहीं चलता साइंस में अच्छा ये बताओ कौन से हाथ पे रिसर्च कर रहे थे आप लोग <laughs> चलो कुछ तो आप पकड़ में आए कि कहा गल करते हो चलिए लेफ्ट हाथ पे आते हैं बेटा सबसे आगे जो बैठे हुए हैं कितनी रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपके हाथ में नहीं इस हाथ पे रिसर्च चल रही है आ, बस ये सिमिलरिटी पे तो सब गड़बड़ हो जाता है कि ऐसा होना चाहिए मेरा हाथ और इनका हाथ अलग नहीं है बेटा आपके हाथ में नहीं चल रही रिसर्च रिसर्च इस हाथ पे चल रही है अब कंप्यूटर पर बैठ के तुम दूसरा हाथ देखते हो और रिसर्च तीसरे हाथ पे चलती है इसलिए सब गड़बड़ होता है वैज्ञानिक सत्य होते हैं ना समझ में आ रही है सत्यता कितने लोगों को समझ में आ रही है वैज्ञानिकों के जो रिपोर्ट्स होती हैं बिल्कुल सत्य होती हैं तीन उंगली की जगह पांच उंगली की चार उंगली की किसी को दिखी नहीं किसी को कम दिखी किसी का चश्मा खराब था किसी की आंखें खराब थी साइंटिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता ना अच्छा उनका उपकरण तो कभी खराब नहीं होता वे तो आंखों से नहीं देखते वे तो लेंस और बहुत सारे इक्विपमेंट से देखते हैं बिबू सारे इक्विपमेंट सही होते ना उसमें एरर्स नहीं होती ना कंप्यूटर में फेल नहीं होता ना मोबाइल आपका कभी हैंग नहीं होता ना क्यों होता है क्योंकि साइंटिस्ट ने खोजा तो बहुत अच्छे से था लेकिन मिस कर गया था जो मिस नहीं होना चाहिए इसलिए रियलिटी को तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आंखें कामकारी नहीं है तुम्हारी बुद्धि मात्र कार्यकारी नहीं है रियलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता रियलिटी तो जो होती है वही होती है जितना ज्ञान उत्कृष्ट होता जाता है उतने तुम रियलिटी पे पहुंचते हो चलिए आशीष हाथ में कितनी रेखाएं दिख रही हैं <laughs> अरे कैसे वैज्ञानिक हैं आप समझ लो आप ये सारे वैज्ञानिक बनेंगे अभी उसने बोला यही जाके बड़ा आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हो ये पीएचडी करके दिखाएगा कहते हैं भाई हमारी रिपोर्ट पूरी दुनिया मान रही है कितने रुपेश कितनी रेखाएं नहीं है ना यानी हर्ष कितनी रेखाएं हैं इस पर हर्षित कितनी रेखाएं एक भी नहीं है बहुत बढ़िया किसी को एकाध रेखा दिख रही है हाथ पर हर्षित दो हैं चलिए मैं पूछ लेता हूं अपनी अपनी पीएचडी की रिपोर्ट में इस हाथ में तीन रेखाएं कौन कौन लिखेगा तीन रेखाएं इस हाथ में कौन कौन लिखेगा जिसको दिख रही हो वही लिखना है ना क्योंकि आप लोग बहुत प्रमाणित व्यक्ति हैं वैज्ञानिक हैं तीन रेखाएं कितने लोग लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में बहुत बढ़िया दो रेखाएं कितने लोग लिखेंगे अपने हाथ में एक रेखा कितने लोग लिखेंगे अपने हाथ में बाकी विड्रॉ कर लिया इन्होंने कि हम रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं हमें अच्छा हाँ ना तो एक दिख रही ना दो दिख रही ना तीन दिख रही जीरो रेखा लिखने वाले बताएं कितने लोग रहेंगे कि इस हाथ में एक भी रेखा नहीं है बाकी लोग क्या हो गए पीछे वाले वैज्ञानिकों को क्या हो गया ठप हो गए यहीं पे अच्छा हाथ दिख रहा है ना हाथ दिख रहा है हाथ की पीएचडी इतने सारे लोगों को करनी है ना तो तुम्हारी कैपेबिलिटी यही हाथ उतनी ही दूरी पर है सूर्य और चंद्रमा इसको पास नहीं लाया जा सकता लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटीज कितनी अधिक हैं, तो कुछ लोगों ने एक रेखा देखी किसी ने दो कही किसी ने तीन कही और किसी ने कहीं बिल्कुल नहीं है कितने लोग बिल्कुल नहीं रेखा वाले हैं अरे देख तो लो सामने रखा हुआ है ना जो दिखता है वह तो होता है ना रुचिन जीरो है ना हाथ है कि नहीं अच्छा हाथ तो है कम से कम अब आपको समझ में आ रही है कि विज्ञान की सीमाएं कितनी है विज्ञान यहां पर एक भी रिपोर्ट सही आई अच्छा तो तीन ही रेखाएं ना तीन मैक्सिमम थी चलिए तीन मैक्सिमम थी तीन ही रेखाएं ना इसमें चार हैं कि पांच हैं पांच है चार वाले भी मिल गए पांच वाले भी मिल गए और थोड़ा पास आओ बेटा तो आपको हो सकता है मिल जाए। तो इसमें जितनी भी हो सकता है, ये बच्चे दस देख लें। तो दस ही है ना तो विज्ञान तो तुक्का नहीं मार सकता ना, रेखाएं उतनी ही हैं, अपने ज्ञान को प्रकष्ट करते जाइए जिसका ज्ञान सबसे अच्छा होगा जैसे आंख अच्छी हो रही है ज्ञान जितना श्रेष्ठ होगा वह बता सकता है जितनी रेखाएं उतनी ही होंगी एक भी कम नहीं होगी ज्यादा नहीं होगी इसलिए जो सर्वज्ञ अरहंत वीतराग वैज्ञानिक कहे जाते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया है एक भी चीज उसमें छूटती नहीं है ऐसे यदि सर्वज्ञ अरहंत प्रभि ने इस हाथ के बारे में कुछ लिखा है तो वह गलत होगा कि वैज्ञानिक गलत होगा आप लोग गलत हो कि धर्म गलत होगा बताओ अब आपके एक छोटे से हाथ पर जो दिखता है वह तो सही होता है वह प्रायोगिक रूप से बताता ना विज्ञान तो आजकल की वैज्ञानिक रिसर्च किस प्रकार से होती है हजार लोग यहां पर बैठे हुए हैं अगर हजार लोगों से एक फॉर्म तैयार किया जाता है उस फॉर्म में भरवाया जाता है कि वंडरफुल जेनिज्म का ये सेशन कैसा लगा यानी अनेक अनेक पाप कर्म को नशा देता है एक बार यदि जिन धर्म पर यहां बैठे बैठे श्रद्धान हो गई तुम्हारी भी सिद्ध शिला में सीट रिजर्व होने वाली है दिस the द सेशन ऑफ वंडरफुल Proud to प्राउड टू बी to टू बी Proud टू बी here. बोले महावीर भगवान की